भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत बहादुरगढ़ के डहरा कुटी शिव मंदिर प्रांगण में हुई संपन्न। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र स्थित डहरा कुटी शिव मंदिर प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत कल यानी 20 दिसंबर को संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता महिपाल सिंह चौहान उर्फ गुजराल साहब तथा संचालन शब्बू चौधरी ने किया। बैठक के कार्यकर्ताओं ने थाना बहादुरगढ़ प्रभारी इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। आज आपने किसान यूनियन की डहराकुटी मीटिंग करी है, क्या मामला है? किसानों की समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? बस सबसे बड़ी समस्या तो गन्ना मिल की है जी। गन्ना भुगतान दे नहीं रहा और किसानों के गन्ने में यूं कह रहा टीनो पाल करके लाओ, इसमें गन्ना धो के लाओ, गन्ना गंदा आ रहा है। टाइम पे पर्ची नहीं दे, टाइम पे भुगतान नहीं दे और किसान जो है गन्ने को ले जाओ टीनो पाल देगा, इसका दिमाग ठीक करेंगे, इसे बेल्ड करेंगे। पहले तो परसों हम जा रहे हैं डीएम साहब से मिलने, व्यक्तिगत मिल कर आएंगे, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उन्हें बताएंगे और फिर इसे बेल्ड करेंगे। एक डीएफओ है कोई, वो भी बदतमीजी कर रहा है, परमिशन ना दे रहा और किसानों को परेशान कर रहा है। परमिशन ना देगा, किसान को जरूरत है पेड़ काटने की तो पेड़ तो काटेगा, कब तक इंतजार करेगा? जब तुम साल भर परमिशन ना दोगे, 6 महीने ना दोगे, किसान का मकान बनना है, मकान बनने में कहीं पेड़ बीच में आ रहा है तो क्या करेगा? वो तो काटेगा, उसमें फिर जुर्माना लाखों में, तो भाई इसका दिमाग भी ठीक करके आएंगे। एक यूरिया की किल्लत की समस्या आज सामने आई है, हमने लिख दिया है, परसों डीएम साहब से बताएंगे भाई यूरिया की किल्लत हमारे ज़िले में कम से कम होना, क्योंकि अब हम थाली हो गए, हमें अब कोई हिलना नहीं है, हमारा आंदोलन खत्म हुआ और घर में बैठने वाले हम हैं नहीं, हम तो या तो आंदोलन पर चलेंगे या जेल में चलेंगे, एक जगह हमें चाहिए, प्रशासन की मर्जी समझे। और रही कोई न सोच रहा हो प्रशासन का अधिकारी के बाद बहुत जल्दी आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता को किसान यूनियन नहीं मानती, ना धारा 144 मानती, ना कोरोना जैसी बीमारी मानती, ना इसके द्वारा आती कोई चीज़, ठीक है जी। तो हम तो इनका सबका दिमाग या तो आप ठीक कर लेने, फिर हम इलाज करेंगे। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने सिंभावली शुगर मिल गन्ना पेमेंट, किसानों की पर्ची की समस्या, टोल टैक्स संबंधी समस्या पर विचार व्यक्त करते हुए धरना देने तथा आगामी 25 दिसंबर को हापुड़ कैंप कार्यालय पर जिला कार्यकारिणी के विस्तार करने के बारे में जानकारी दी। वहीं जिला वन अधिकारी हापुड़ द्वारा किसानों के उत्पीड़न की शिकायत पर अगर दोबारा शिकायत आती है तो डीएफओ कार्यालय क्रिकेट वेल्ड कर धरना दिए जाने की बात कही गई। बता दें कि इस मासिक पंचायत में युवा विंग के जिला अध्यक्ष जीते चौहान, श्याम सिंह, अमानत अली, सदाकत वैट, भोले खान, नवल खान, शकील, हरेंद्र यादव, इकलाख, राजबीर, सतेंद्र आदि लोग मौजूद रहे। इस खबर में इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर वन न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।